मैं भाग्यश्री, बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 1 अप्रैल से नया नियम लागू, कार खराबी पाए जाने पर कंपनी को देनी होगी ग्राहकों को नई गाड़ी, रिकॉल पोर्टल पर दर्ज करा शिकायत और ई कॉमर्स पर सख्ती, शिकायत निपटाने का काम हुआ तेज, कंपनियां दे रही जरूरी जानकारी। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय पेंशन योजना और अटल पेंशन योजना के तहत खाता धारकों की संख्या 22% बढ़कर फरवरी 2021 के अंत में 4,15,00,000 हो गई है। PFRDA ने बुधवार को एक बयान में कहा कि फरवरी 2021 तक विभिन्न योजनाओं में खाता धारकों की संख्या फरवरी 2020 के 340.34 लाख के बढ़कर 414.70 लाख हो गई है, जो वार्षिक आधार पर 21.85% की बढ़ोतरी दर्शाता है। बयान में कहा गया कि 28 फरवरी 2021 तक प्रबंधन के तहत कुल पेंशन परिसंपत्तियां 5,59,594 करोड़ रुपए थी, जो एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 33.09% अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। देश में रणनीतिक तेल भंडारों की बढ़ती जरूरत के बावजूद इनके निर्माण में दिक्कतें आ रही है। मौजूदा तीनों भंडारों को सरकार ने पिछले वर्ष बेहद सस्ता हुए कच्चा तेल से भरकर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की है। इसके बावजूद देश में दो नए रणनीतिक तेल भंडार बनाने की राह आसान नजर नहीं आ रही है। केंद्र सरकार ने जून 2018 में ओडिशा के चंडीखोल और कर्नाटक के पादुर में 65,00,000 टन की संयुक्त क्षमता के दो रणनीतिक भंडार बनाने का फैसला किया था। यह भूमि अधिग्रहण में विलंब की वजह से लंबित चल रहा है। केंद्र सरकार की इन दोनों परियोजनाओं के बारे में राज्य सरकार से बात हो रही है, लेकिन सरकारी अधिकारी भी बताने की स्थिति में नहीं है कि यह काम कब तक पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। केंद्र ने कहा कि ई कॉमर्स कंपनियों के लिए दंडात्मक कार्यवाही के साथ नए नियम जुलाई 2020 में अधिसूचित होने के बाद से शिकायतों के निपटान में तेजी आई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की मुख्य आयुक्त नीति खरे ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व में ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ ज्यादातर शिकायतों का समाधान नहीं हो पाता था, लेकिन ई कॉमर्स नियमों के अधिसूचित होने के बाद शिकायतों की संख्या कम हुई है और जो शिकायतें आ रही है उनका तेजी से निपटान हो रहा है। हालांकि उन्होंने उन ई कॉमर्स कंपनी के नाम नहीं बताए हैं जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान तेजी से कर रही है। खरे ने कहा कि बड़ी बहुराष्ट्रीय ई कॉमर्स कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP, वस्तु खराब होने की तिथि, उत्पत्ति वाले देश समेत उत्पादों के संदर्भ में कम से कम 6 घोषणाएं करनी शुरू कर चुकी है। नए नियमों के अनुसार ई कॉमर्स कंपनियों को अधिकतर खुदरा मूल्य, वस्तु की म्याद की अंतिम तिथि, वस्तु की उत्पत्ति वाले देश का नाम, रिफंड और सामान लौटाए जाने के बारे में ब्यौरा, वारंटी तथा गारंटी, डिलीवरी तथा ग्राहकों के लिए जरूरी अन्य जानकारी देनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। जिस बैंक में आपका पैसा जमा है अगर वह डूब जाता है और अकाउंट से पैसे निकालने पर रोक लग जाती है तो आपका 5,00,000 रुपए तक का डिपॉजिट सेफ रहेगा। दरअसल सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC एक्ट में बदलाव करने की योजना बना रही है। इसमें ऐसी व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। DICGC एक्ट के इस बदलाव को शामिल किए जाने पर डिपॉजिटर को बड़ी आसानी होगी, क्योंकि उन्हें तय समय में अपना 5,00,000 रुपए तक का डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार विशेषज्ञों की सलाहकार समिति योजना के तहत धन आवंटन के लिए लाभार्थियों का चयन करेगी, प्रगति की निगरानी करेगी और इस धन राशि के उचित इस्तेमाल के लिए सभी उपाय करेगी ताकि योजना के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। DPIIT ने फरवरी में अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद बाजार में प्रवेश और व्यवसायीकरण के प्रमाण के लिए वित्तीय सहायता देने के दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। नई कार और मोटरसाइकिल खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। यदि उनकी कार कंपोनेंट में किसी प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो सरकार के रिकॉल पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। निर्माता कंपनी बगैर किसी शुल्क के उसे ठीक करेगी अथवा नियम के अनुसार उपभोक्ता को नई कार दी जाएगी।
इसके लिए उपभोक्ताओं को डीलर वर्कशॉप के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल पार्ट, कंपोनेंट आदि शामिल है। यह सुविधा 7 साल पुरानी हो चुकी कारों पर भी मिलेगी। नए नियम 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएंगे। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले हफ्ते इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक देश में 1 अप्रैल से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट त्रुटिपूर्ण वाहनों को वापस लेना अथवा उसे ठीक करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। यह निर्भर करेगा कि वाहन में किस प्रकार की त्रुटि है। उपभोक्ता को नए वाहन अथवा ठीक करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय व्हीकल रिकॉर्ड नामक पोर्टल शुरू करने जा रहा है। इसमें उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायत पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय जांच अधिकारी नियुक्त करेगा। व्हीकल रिकॉर्ड नियम 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया निजी व व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने व्हीकल रिकॉल व्यवस्था लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन वाहन निर्माता कंपनियों के दबाव में इसमें देरी हुई थी। नई व्यवस्था रिकॉल नोटिस मिलने पर कंपनी सिर्फ हाईकोर्ट जा सकती है। खास बात यह है कि वाहन के पार्ट, कंपोनेंट, रेट्रोफिटिंग आदि त्रुटियों को शामिल किया गया है। इसमें वाहन निर्माता कंपनी यह बहाना नहीं बना सकेंगी कि पार्ट दूसरी कंपनी का है, इसमें हमारा दोष नहीं है। सभी प्रकार की त्रुटियां कंपनी को ठीक करनी होगी अथवा नया वाहन देना होगा। नए नियम दूसरे हिस्से में वाहन त्रुटि होने पर कंपनी को पूरी खेप वापस लेनी होगी। विनिर्माण के समय अथवा असेंबल के समय त्रुटि नहीं पकड़ने और बेचने के एवज में कंपनी पर 10 लाख से 100 लाख रुपए का जुर्माना तय किया गया है। यह राशि वाहन बिक्री की संख्या के अनुसार तय होगी। यह व्यवस्था पहली बार लागू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। 1 अप्रैल से नया नियम लागू। कार खराबी पाए जाने पर कंपनी को देनी होगी ग्राहकों को नई गाड़ी। रिकॉल पोर्टल पर दर्ज करा शिकायत और ई कॉमर्स पर सख्ती। शिकायत निपटाने का काम हुआ तेज। कंपनियां दे रही जरूरी जानकारी। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।